चल उठ अभी तू दे अपनी पढ़ाई पर ध्यान। चल उठ और अभी तू दे अपनी पढ़ाई पर ध्यान। जब तू हासिल कर लेगा मुकाम, जब तू हासिल कर लेगा मुकाम, तो तुझे बहुत मिल जाएंगे बुलाने वाले बाबू सोना और जान। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10वीं के बाद आप क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट चुने। जब आप 11th में प्रवेश करेंगे तो किस सब्जेक्ट से आपको पढ़ना है और उस सब्जेक्ट के पढ़ने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई काम के लिए, कोई नाम के लिए, कोई क्रेज के लिए, कोई दहेज के लिए, कोई नौकरी के लिए तो कोई छोकरी के लिए। तमाम पढ़ने का स्टाइल सबका अलग अलग है, ठीक है। कोई किसके लिए पढ़ रहा है, कोई किस चीज के लिए पढ़ रहा है, लेकिन आपको किस चीज के लिए पढ़ना है मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और आप किस सब्जेक्ट से पढ़ने वाले हो, किस टॉपिक से पढ़ने वाले हो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बेसिकली हम देख लेते हैं यहाँ पे 10वीं के बाद क्या करें, ठीक है। 10वीं के बाद आप क्या करें, किस सब्जेक्ट से पढ़े, बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं और जिससे उनका भविष्य चौपट हो जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको पढ़ना है ज्ञान के लिए, सम्मान के लिए, और आगे आप अपना भविष्य उजाला करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए। अगर नौकरी मिली तो ठीक है। देखिए, पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप नौकरी ही करो, ठीक है। देखिए, आप किसी, अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो किसी भी माध्यम, किसी भी जगह, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, अगर आप कभी कमेंट करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा वीडियो बनाकर। लेकिन अभी आपको इतना ध्यान देना है कि 10वीं के बाद क्या करें। तो चलिए, सबसे पहला मैंने आपका प्रश्न उठा लिया है कि 10वीं के बाद कौन सी सब्जेक्ट को चुने। देखिए, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। कभी हाई स्कूल में वो साइंस लेके पढ़े रहते हैं, कोई कॉमर्स लेके पढ़ा रहता है और कोई आर्ट लेके पढ़ा रहता है, लेकिन जैसे ही इंटर में प्रवेश करते हैं वो अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर देते हैं। तो भैया, अगर आपका कोई एम ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 10 तक पढ़ लियो, बहुत पढ़ लियो, इतने में शादी में आपको बुलेट कार तो मिल ही जाएगा, ठीक है। छोड़ दो, जाने दो, मत पढ़ो। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो क्या क्या फॉलो करना होगा उस पर ध्यान दो, और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहो, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए, आपको तीन ही टॉपिक मिलते हैं पढ़ने के लिए। पहला मिलता है कला वर्ग से आप पढ़िए, या विज्ञान वर्ग से पढ़िए, या वाणिज्य वर्ग से पढ़िए। वाणिज्य वर्ग का मतलब होता है कॉमर्स, ठीक है। कला का मतलब आर्ट, विज्ञान का मतलब साइंस, वाणिज्य का मतलब होता है आपका कॉमर्स। इन तीन टॉपिक को मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए। आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, ये तीन क्षेत्र आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और तीनों का एक अपनी जगह पर अहम रोल होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप साइंस से पढ़ रहे हो तो आप ही ब्रिलियंट हो। देखिए, हर विभाग अलग अलग होता है, और किस विभाग में आपको पढ़ना है मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, आर्ट वाले, अगर जो बच्चे आर्ट से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बताता हूं कौन कौन सा सब्जेक्ट उनको पढ़ना होता है। अगर वो आर्ट से पढ़ेंगे तो आगे चल के उनको कौन सी नौकरियां मिलने की ज्यादा चांसेस रहती हैं और वो आगे क्या कर सकते हैं, सब कुछ बेसिकली मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, पहला भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, संस्कृत, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, दायित्व, ये सब आर्ट के अंतर्गत सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप इन सब सब्जेक्टों को पढ़ लेते हो तो टीचर बन सकते हो, सिविल सर्विसेज कर सकते हो, आप सिविल सर्विस तैयारी कर सकते हो। अगर ये सब आपका अच्छे से तैयार है तो IAS PCS आप बन सकते हो, ठीक है। DM SDM सब इससे, यहीं से बनते हैं आर्ट से पढ़कर, ठीक है। यहीं से अधिकतर क्वेश्चन भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, ये सब यहीं से तो GK कुल बनता है, सब यहीं से GK सब बनते हैं। तो अधिकतर जो होते हैं IAS PCS सब आर्ट से पढ़ के बनते हैं, ठीक है। लेकिन आप दिमाग मत चेंज कर दिए, अपना विचार मत चेंज कर दीजिएगा कि नहीं अब तो हम साइंस से पढ़े, अब आर्ट से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, पूरा मैटर समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, आर्ट से तो आप पढ़ लेंगे, मान लीजिए आर्ट में ये तो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन आर्ट्स में अगर इसकी देखें तो आर्ट से पढ़ने के फायदे क्या क्या होते हैं, ध्यान दीजिए। आर्ट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आर्ट से पढ़ने के फायदे यही हैं कि 10वीं के बाद अगर आर्ट चुनने के फायदे क्या क्या है समझ लीजिए। देखिए, आर्ट्स वाले छात्रों पर कम दबाव होता है, इन पर कोई मानसिक तनाव नहीं होता, ना इनको कोचिंग करना है, ना क्लासेस करना है, आसानी से वो पढ़ते हैं। नीचे मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको, ताकि मेरे समझाने पर आप ना समझ सको तो आप देखकर भी समझ सकते हो। आर्ट्स वाले छात्रों पर कम दबाव होता है और इनको ट्यूशन या क्लासेस की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती,
और फीस भी कम होता है। ध्यान दीजिए, इसकी फीस भी क्या होती है, कम लगती है, सिविल सर्विसेज के लिए अच्छा होता है। ये क्या होता है, अगर आप, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि अगर आप आर्ट्स से पढ़ रहे हो तो आर्ट्स आपके सिविल सर्विस के लिए बेस्ट होता है, आप टीचर बनना चाहते हो टीचर के लिए बेस्ट होता है। कई विभाग ऐसे हैं जिसमें आर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आर्ट से आप हाई स्कूल पढ़े हो तो आर्ट से इंटर भी करो, आर्ट से आगे आप पढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बेइज्जती नहीं। ये मत सोचो कि वो साइंस से पढ़ा फलवा लड़का तो हम भी साइंस से पढ़ेंगे, नहीं दोस्तों, आपका कुछ तो एम होगा, जो आपका एम है उसको लेके चलो, पड़ोसी क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखो, ठीक है। चले आते हैं अब साइंस पर, उम्मीद करता हूं आप आर्ट्स के मैटर को समझ चुके हैं। अभी मैं लास्ट में आओ कुछ बातें बताने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहिए, अभी आपको सब कुछ समझा देता हूं। अगर अब आप साइंस से पढ़ना चाहते हैं तो क्या ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिए, साइंस में मुख्य विषय मिलते हैं आपको यही तीन, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, या भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, यही चार सब्जेक्ट होते हैं, जीव विज्ञान और गणित, यही चेंजिंग होता है। अगर आप साइंस से पढ़ेंगे तो आपको चेंज क्या मिलेगा, इंटर में चेंज क्या मिलेगा, ये जीव विज्ञान या गणित, इनमें दोनों में से कोई एक लेना होगा। तो इनमें से अगर कोई एक लेना होगा आपको, तो अगर आप मेडिकल लाइन डॉक्टर और साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो चल ले लीजिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ आप जीव विज्ञान ले लीजिए। अगर आप टेक्निकल और नॉन मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जेई वगैरह बनना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप यहां से क्या करिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित को लेकर चलिए। देखिए गणित लेने का अहम रोल ये होता है कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन कोचिंग क्लासेस तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप साइंस में जीव विज्ञान ले लो चाहे गणित ले लो। तो आपका विचार क्या है, अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप जीव विज्ञान को लेकर चलिएगा साइंस में, अगर आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं तो गणित को ले लीजिएगा, और ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये अब इसके हम फायदे आपको बताते हैं, साइंस लेने के क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो आपको दसवीं में इसके फायदे क्या है, ध्यान दीजिए, दसवीं के बाद अगर आप साइंस लेकर पढ़ रहे हैं तो इसके फायदे क्या, ध्यान दीजिए, साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी रिसर्च आदि में बेहतरीन करियर विकल्प प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, साइंस जो होता है वो टेक्निकल में, मेडिकल में, ये सब चीजों में क्या करता है, और रिसर्च में, यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर बताया था कि वो जो रिसर्च होता है, इसमें मैंने लिख रखा है, अभी समझा दूंगा आपको, यहां पर ध्यान दीजिए, रिसर्च, रिसर्च में ये आपको बेहतरीन करियर प्रदान करके देता है, ठीक है, अगर आप साइंस से पढ़े हो। और बहुत कुछ चीजें ऐसे तो जो आपको सीखने को मिलता है, अच्छी अच्छी चीजें मिलती है साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट में कोर्सेस को चुन सकता है। अगर आप अभी साइंस से पढ़ रहे हो, इंटर भी साइंस से कर ले रहे हो, लेकिन अगर आप बीए करना चाहते हो, इंटर के बाद आप बीए करोगे, बीएससी करोगे, एमए करोगे, एमएससी, ऐसा आगे प्रक्रिया चलता रहेगा, अगर आप साइंस से पढ़े हो तो आर्ट को चुन सकते हो, कॉमर्स को चुन सकते हो, लेकिन अगर आप कॉमर्स या आर्ट से पढ़े हो आगे आप साइंस चुनना चाहोगे तो नहीं चुन पाओगे, समझ गए मेरी बात को। चलिए तो यहां पे बस यही कहने का मतलब था, दसवीं के बाद अगर आप साइंस से पढ़ना चाहते हैं तो यह ध्यान दे लीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आते हैं कॉमर्स पे, कॉमर्स क्या है, इसके फायदे क्या है, इसमें क्या सब्जेक्ट पढ़नी होती है, ध्यान दीजिए, इसमें अकाउंटेंसी पढ़नी होती है, अकाउंटेंसी, अकाउंट से संबंधित, बिजनेस से स्टडीज पढ़ाया जाता है, इंग्लिश आपको पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है, और मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। तो इसका आप कहां, इसके फायदे क्या हैं, अगर आप इसी तैयारी कर रहे हैं तो आगे चल के आप क्या बन सकते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिए, इनके पास कई विकल्प हैं, जैसे आप सीए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एचआर कर सकते हैं, या किसी बैंक में नौकरी कर सकते हैं कॉमर्स अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। बहुत बच्चों को जानकारी नहीं होता भैया हम जो पढ़ रहे हैं आगे चल के मेरा भविष्य क्या होगा, हम भविष्य में कौन सी नौकरियां कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं इन सब विभागों में आप जा सकते हो, ठीक है। और फिर इसमें आपको शेयर बाजार का अच्छा ज्ञान हो जाता है। देखिए आजकल शेयर बाजार का ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ शेयर मार्केटिंग से, ठीक है। तो अगर आपको कॉमर्स का अच्छा खासा नॉलेज रहेगा तो आप अच्छा खासा यहाँ पैसे कमा सकते हो घर बैठकर, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर यहाँ पर जो कॉमर्स से तैयारी करेगा, ठीक है। तो अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर आपने देख लिया आर्ट्स की, साइंस की और कॉमर्स की, तो अब हम बेसिकली आपको कहना चाहेंगे, रेफर करना चाहेंगे, ये साइंस की आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपका इच्छा जो आप उसके अनुसार करिए, लेकिन मेरा जो इच्छा है मैं बता रहा हूं, अपना अनुभव बता रहा हूं, साइंस सबसे बेस्ट है,
व्यस्त क्यों है ध्यान दीजिए, अगर आप साइंस तैयार कर लेंगे तो साइंस अगर तैयार रहेगा तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो यह जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर आप कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जीव विज्ञान में रख दिए गए, जंतुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, तो आप यहीं पे पढ़ ही लोगे, तो आप साइंस से पढ़ो, ठीक है। साइंस से पढ़कर आप आईएएस पीसीएस की भी, सिविल सर्विस की नौकरी देख सकते हो, बैंकिंग की भी नौकरी देख सकते हो, बट आपको क्या करना होगा, आगे अपना टॉपिक चेंज कर देना होगा, ठीक। और नहीं तो वन डे एग्जाम तो आपके लिए खुला करवा जाए, वन डे एग्जाम सभी देख सकते हैं, किसी के लिए भी बैन नहीं, वन डे एग्जाम कोई पुलिस पीएससी एसआई इधर होगा जो भी है यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये किसी भी टॉपिक से आप पढ़ो, चाहे आर्ट से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, आप वन डे एग्जाम सभी से देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन मैं रेफर करूंगा आप साइंस से पढ़ो, अगर आप लेडीज हो तो आप प्रेफर करो अपने आपको जीव विज्ञान से पढ़ने का, और आप अगर जेंट्स हो तो गणित से पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि लेडीज जो होती है ना उनके पास समय कम होता है, अगर आपके पास समय अच्छा खासा है तो आप गणित ले सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है, आपका जैसा इच्छा करे उस तरीके से तैयारी करिए। फिलहाल मेरा जो राय था, ओपिनियन था, मैं आपको दे दिया हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपको समझाना चाहता था, उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं कि कौन से टॉपिक पढ़ने से आपका फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप क्या बन सकते हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है, उस अनुसार आप चलिए, ठीक है, उसके अनुसार चलेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और साइंस में मतलब मेडिकल लाइन जाने का मतलब आपके घर की स्थिति जो भी चाहिए मजबूत होनी चाहिए, कम से कम 12 से 15 लाख रुपए लगेंगे तब आप मेडिकल लाइन की अच्छे से एमबीए कर पाओ, तैयारी कर पाओगे आप, जैसे एमबीबीएस वगैरह तैयारी करना चाहते हो तो 12 से 15 लाख रुपए लगेंगे, अगर पारिवारिक स्थिति सही है तो आप इससे पढ़ ही लीजिए, नहीं तो ये सब आपके पास खुले दरवाजे हैं, सिंह कम खर्च कम पैसे में अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा है वीडियो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, वो भी ताकि अच्छे समझ सके, अच्छे से अगला जो आपका उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइटनेस रहे, ठीक है, अच्छे से वो तैयारी करें, क्या उनको सब्जेक्ट लेना है क्या नहीं तो उनको भी पता चल सके, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा दोस्तों, और सभी का कक्षाओं का बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जल्दी स्टार्ट कर दूंगा 1 से 2 दिन में, तो सभी लोग तैयार हो जाओ, अभी बुक जो नहीं परचेज किए तो बुक परचेज कर लें, और सभी कक्षाओं का मैं यहाँ पे बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।